DSB-SC मतलब डबल साइड बेंड सप्रेस्ड कैरियर, ठीक है। इसमें क्या होंगे, डबल साइड बेंड होंगे मतलब अपर साइड बेंड भी होगा और लोअर साइड बेंड भी होगा। सप्रेस्ड कैरियर मतलब हम कैरियर को इसमें ट्रांसमिट नहीं करेंगे, ठीक है। इट इज कैरियर दैट इज FC। अगर इसमें क्या हो रहा है, MT हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और CT कैरियर सिग्नल है, ठीक है। तो हम MT को कैसे लिखते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को AM cos ओमेगा MT, और कैरियर सिग्नल जो CT होता है उसे हम लिखते हैं AC cos ओमेगा CT, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा DSB-SC सिग्नल, ठीक है। तो मैंने जस्ट इस दोनों सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन किया है तो क्या हो गया, AM AC cos ओमेगा MT, cos ओमेगा MT और cos ओमेगा CT। तो ये इसका क्या हो गया, जनरल एक्सप्रेशन जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, ट्वाइस ऑफ FM होती है जो AM सिग्नल के इक्वल ही होती है, ठीक है। इसका क्या हो गया, पावर। अब पावर क्या होगा इसमें, ठीक है, अपर साइड बैंड प्लस लोअर साइड बैंड का अगर हम सम करेंगे दोनों के पावर का तो टोटल पावर आ जाएगा, मतलब सम ऑफ टू साइड बैंड, दोनों साइड बैंड के पावर का सम करेंगे तो हमें इसमें टोटल पावर मिल जाएगा। इसमें कैरियर तो है ही नहीं इसलिए कैरियर पावर इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपर साइड बैंड और लोअर साइड बैंड दोनों का पावर क्या होता है, AM स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन में 8R। R इज द रेजिस्टेंस, AM इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड AC इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल, ठीक है। तो टोटल पावर क्या हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, AM स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन में 4। तो ये हो गया उसका टोटल पावर का एक्सप्रेशन जो आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जनरेशन इसका जो करते हैं हम DSB-SC सिग्नल का, वो किससे करते हैं, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर से या फिर रिंग्ड मॉड्यूलेटर से। इसमें क्या कर रहे हैं हम, MT और CT मतलब मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और कैरियर सिग्नल का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसमें जनरेशन जो करते हैं उसको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर भी बोलते हैं। प्रोडक्ट क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। तो किससे जनरेशन कर रहे हैं, बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर से और रिंग मॉड्यूलेटर से। डिटेक्शन किससे करते हैं हम, कोहेरेंट डिटेक्टर से, सिंक्रोनस डिटेक्शन भी इसे बोलते हैं, और एक कोस्टास लूप से। एक चीज और बताना चाहूंगी आपको कि कोस्टास लूप में हम VCO का यूज करते हैं, ठीक है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर का, और इसमें क्वाड्रेचर नल इफेक्ट इज प्रेजेंट इन द डिटेक्शन ऑफ DSB-SC सिग्नल, ठीक है। तो ये हो गया DSB-SC, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं SSB-SC के बारे में। SSB क्या होता है, सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड कैरियर। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम, एक ही साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहे हैं, दूसरे साइड बैंड को ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं और कैरियर को भी ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं। तो सिर्फ इसमें क्या कर रहे हैं, एक ही साइड बैंड को ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा साइड बैंड तो वैसे भी इसका इमेज ही होता है, ठीक है, इसका रेप्लिका ही होता है, ठीक है। तो जो इन्फॉर्मेशन इसमें होगी वही इन्फॉर्मेशन इसमें होगी, इसलिए हम सिर्फ एक ही अगर साइड बैंड को ट्रांसमिट करते हैं तो वो हमारे लिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं सबसे पहले। तो SSB-SC का जो एक्सप्रेशन होता है क्या होता है, AC AM/2 cos 2πfc + FMT, इट इज फॉर अपर साइड बैंड, है ना। अपर साइड बैंड में क्या हो जाएगा, FC + FM, और लोअर साइड बैंड में क्या हो जाएगा, FC - FM, और FC इधर इनके मिडिल में है, ठीक है। तो इसका या तो हम अपर साइड बैंड ट्रांसमिट करें या तो हम लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट करें। लोअर साइड बैंड ट्रांसमिट करेंगे तो उसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी, AC AM/2 cos 2πfc - FMT, ठीक है। इसकी बैंडविड्थ क्या होती है, FM होती है, जो कि कम होती है AM से, और DSB-SC से इसकी बैंडविड्थ लेस होती है, ठीक है। तो हम वैसे भी ये सब ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, है ना, FC भी ट्रांसमिट नहीं कर रहे हैं, दोनों साइड बैंड भी ट्रांसमिट नहीं कर रहे, सिर्फ एक ही ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वैसे भी इसकी बैंडविड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इसकी जो टोटल पावर है वो भी कम हो जाएगी ट्रांसमिशन पावर, क्यों, क्योंकि हम इसमें एक ही बैंड ट्रांसमिट कर रहे हैं, या तो अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड। तो या तो टोटल पावर इसकी किसके इक्वल हो जाएगी, या तो अपर साइड बैंड की पावर या तो लोअर साइड बैंड की पावर, जो भी हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगी, AM² AC² / 8R, ठीक है। अब इसका जनरेशन हम किससे करते हैं, फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड से या फिर फेज डिस्क्रिमिनेशन मेथड से, और इसका डिटेक्शन किससे करते हैं हम, कोहेरेंट डिटेक्टर से या फिर सिंक्रोनस डिटेक्टर से, ठीक है। तो ये चीजें आपको DSB-SC और SSB-SC की ये कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। इसमें मैंने कोई आपको
अच्छे थ्योरी बहुत अच्छे से नहीं समझाई है, ठीक है, क्योंकि और इसमें मैंने एक्सप्रेशन के डेरिवेशन भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक जनरल आपको चीज़ें हैं जो इन्फॉर्मेशन है, पॉइंट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए डीएसबी और एससी के बारे में और एसएसबी एससी के बारे में, सिर्फ वही पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच।